भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आडवाणी जी को बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सींचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है कि जो उनके सारथी उस समय भी थे, उनके रथ में भी थे, नरेंद्र मोदी जी वो आज देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्लियामेंट से लेकर गांव गांव तक आम जनमानस में भी खुशी की लहर है कि मोदी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, जनता के बीच में आपने देखा लोग झूम रहे थे, क्योंकि लोगों को याद आ गया उस समय घर से ईंट लेकर गए थे राम मंदिर बनाने के लिए। आज 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये उन नेताओं का संकल्प और सिद्धि तक पहुंचाने का काम है, और ऐसे नेता जिन्होंने करोड़ों संगठन के कार्यकर्ताओं को बनाया, हम सबके लिए बहुत भावुकता वाला क्षण है। मैं सही कहूं, आंखों में आंसू भी है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि मोदी जी ने खुशी दी है तो आडवाणी जी के लिए प्रसन्नता का भाव हम जैसे कार्यकर्ताओं के दिल में और आम जनता के दिल में बहुत है। वो पूर्व में INB मिनिस्टर भी रहे, मैं आज का सूचना प्रसारण मंत्री भी हूं, उस नाते भी एक रात आता है, तो दूसरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश के रहे, बहुत बड़े कद के नेता, उनसे बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार, आडवाणी जी आपको बहुत बहुत बधाई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।